मम्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिताज गुड लाइफ। आज मैं बनाऊंगी जमाई षष्ठी स्पेशल था। अभी सुबह का टाइम है और आज एक स्पेशल डे है और स्पेशल व्लॉग। टुडे इज जमाई षष्ठी। दामाद को इनवाइट किया जाता है और उसके लिए पूजा रखा जाता है घर पे, और सासू माँ जो है वो अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बना के दामाद को खिलाता है, इसीलिए ये इतना स्पेशल डे होता है। हमारा शादी हुआ आफ्टर 3 ईयर और 2 ईयर हम लोग अटेंड कर पाया जमाई षष्ठी में। इस बार तो कोरोना के वजह से नहीं जा पाया, इसीलिए मैंने सोचा अभिषेक को मैं घर पे बना के खिलाती हूँ। आज मैं बनाऊँगी मटन कोशा, मूढ़ी घंटो और फिश तलिया। और आलू जो है ना, मैं मटन के लिए ऐसे कट करके रखा हूँ और मूढ़ी घंटों के लिए ऐसे छोटा छोटा कट करके रख रही हूँ। मैं आलू सब एक साथ ही फ्राई कर लूंगी तो इससे आसान भी होता है, दोनों का फ्राई हो जाएगा एक साथ। Thank you.
अभी बीच का जो मुंडी है ना वो फ्राई हो रहा है। मिर्च दिया कढ़ाई में, फिर 3-4 लौंग, 2 इलायच और जीरा। अभी प्याज ऐड करूंगी। मसाला हो गया, अभी ऑयल छोड़ने वाला है, छोड़ दिया। राइस ऐड करूंगी। राइस मसाले के साथ हल्का फ्राई होने के बाद जो है वो ऐड करेंगे और हल्का तोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो रहा है, चलो धीरे धीरे हो जाएगा, नरम गल जाएगा। हाँ हुआ। अभी मैं इसको 10-15 मिनट ढक के रखूंगी और गैस बंद कर दिया है। देखो ऐसा हुआ है राइस, और अभी से बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, बहुत टेस्टी हुआ है खाने में। मैं टेस्ट कर लिया ऑलरेडी। इसके बाद मैं ऐड करूंगी प्याज। मटन के लिए मैंने 2 बड़ा साइज प्याज लिया। प्याज फ्राई होने के बाद मैं मसाला ऐड करूंगी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अभी मटन ऐसा हुआ है, उसके बाद मैं मटन के लिए जो आलू फ्राई करके रखा था वो ऐड करूंगी। जामाई षष्ठी का भूरी भोज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इसका खाने के लिए भी बैठ गया। क्या क्या है बोलो एक बार। बहुत टेस्टी। अच्छा चलो मैं अभी बैठ जाती हूँ। ये फिश का मुड़ी घंटो जो बंगाली का बहुत स्पेशल डिश होता है, ये आपका हो गया फिश कालिया जो कतला का कलिया होता है। ये तो है बंगालीज का फेवरेट मटन कोशा, मटन कोशा और ये सलाद। सलाद डेजर्ट में हम लोग ने श्रीखंड लिया है, बिकॉज यहाँ पे केरला में दही मिलना मुश्किल है और ये श्रीखंड बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। और मतलब विश करता हूँ कि मुझे एवरीडे ऐसा डिश मिले। हाँ हाँ ऐसा मैं खाना ही बनाती रहूं। आज का दिन ही मिल रहा है, बाकी दूसरा दिन आप लोगों को पता नहीं होगा कैसे रहता है। मैं खाना बनाती रहूं पूरा दिन। ये बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए, इतना सारे ऑप्शन है खाने के लिए। तो लेट नहीं करते।
कहते हैं खाना चालू करते हैं। हाँ। सारे देख के लग रहा है बहुत ही टेस्टी हुआ है। हाँ। आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है ये खाना देख के, कैसा हो सकता है इसका टेस्ट। हाँ। और आई थिंक मौमिता ने उसका चैलेंज में इसका वीडियो भी दिखाया होगा कैसे इसने बनाया है खाना। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए घर पे और हम लोग को कमेंट्स में बताइए कैसा आप लोग को लगा। थैंक यू। मैं भी बैठ गया खाने में, बहुत भूख भी लग गया था। खावा खत्म करके मिलते हैं आपसे, खाना खत्म करके मिलते हैं। ठीक है, हमारा लंच हो गया और लंच करते करते बारिश भी आ गया था। वेदर बहुत अच्छा हो गया, हल्का ठंड भी आ गया। वेदर एकदम अच्छा हो गया। एक नदी गया है, नदी में ना नाव भी आता है फिश पकड़ने के लिए, मछली पकड़ता है नाव के नाव से। और जहां भी देखो पूरा ग्रीन। 10 मिनट थोड़ा चला घर पे क्योंकि बहुत खा लिया था। और बंगाली में होता है ना भातखूम, जो राइस खाने के बाद बहुत नींद आता है ऐसा बात है, तो वही मुझे आ रहा है भातखूम। अभी सोने जाऊं कहीं क्योंकि बहुत थक गया मैं, और 2 घंटे से पहले मैं तो उठूंगी नहीं अब। तो मैं अभी मेरा ब्लॉग खत्म करती हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपके साथ।